महापौर के रूप में 13 माह का कार्यकाल होने को भले ही कुछ समय बचा हो, इसके बावजूद सोमवार को महापौर संदीप जोशी द्वारा मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी को इस्तीफा सौंपा गया। पालक मंत्री नितिन राउत ने शहर के झोपड़पट्टी वासियों को जमीन के पट्टे वितरण में सरकार के निर्णय का पूरी तरह से पालन करने का निर्देश दिया। पानी आरक्षण के लिए हुई महत्वपूर्ण बैठक में मनपा क्षेत्र के लिए इस वर्ष 173 MLD पानी आरक्षित करने का निर्देश पालक मंत्री नितिन राउत ने दिया है। सिटी को अब ठंड जकड़ने लगी है। मौसम विभाग ने सोमवार को सिटी का न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो औसत से 4.3 डिग्री कम रहा। रविवार को मुख्यमंत्री ने राज्य में नाइट कर्फ्यू लागू करने की संभावना से इनकार किया था, लेकिन सोमवार को ही इस आदेश को पलट दिया और राज्य के महानगरों में 14 दिनों का कर्फ्यू लागू करने की घोषणा कर दी। बोखारा परिसर में निर्माणाधीन इमारत से गिरकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक वैशाली नगर तरोड़ी निवासी किशन धनराज नागपुरी बताया गया। बाटोड़ा थाना क्षेत्र में सोमवार को दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग की वारदात हुई। बाइक पर सवार युवक ने एक महिला के गले से सोने की चेन और मंगलसूत्र झपट लिया। पुलिस ने चैतन्यश्वर नगर वाटोड़ा लेआउट निवासी पूनम मनोज मगरे की शिकायत पर मामला दर्ज किया है। गोरेवाड़ा में पहले चरण में बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरण आदि देखने के लिए जंगल सफारी शुरू कर दी है। अब दूसरे चरण में अफ्रीकन सफारी का कार्य पूरा किया जाना है। पालक मंत्री नितिन राउत ने इसके लिए लगने वाली निधि का प्रस्ताव तत्काल तैयार करने का आदेश दिया है। पाठोड़ा पुलिस ने थाना क्षेत्र में हुई सेंधमारी की वारदात का 3 घंटों में ही पर्दाफाश कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने अपने पंडरों को काम पर लगा दिया। जानकारी मिलते ही 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। तहसील के अजनी ग्राम परिसर में बाघ की दस्तक से ग्रामवासियों में हड़कंप मचा हुआ है। बाघ द्वारा वहां एक किसान के खेत में मारे गए भैंस के बछड़े से किसान व खेत मजदूरों में दहशत का वातावरण है। वन विभाग की ओर से नागरिकों से सतर्कता बरतने की अपील की गई है।